अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है यूजेज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और प्लीज बेटा, जो अभी तक क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा फौरी तौर पे जो है ना, आप लोगों ने क्लास को जो है ना वो बेटा फौरी तौर पे ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूजेज ऑफ एंजाइम्स। ये क्वेश्चन आपको बेटा लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो है शॉर्ट में किस तरह आएगा कि राइट द यूज ऑफ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री, राइट द यूज ऑफ एंजाइम इन बेवरिंग इंडस्ट्री, राइट द यूज ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री एंड राइट द यूज ऑफ एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, यानी कि हाउ वी यूज एंजाइम्स एज अ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। इस तरह से फोर क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा जी, राइट इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो आपने इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ एंजाइम्स अगर ये लॉन्ग कैटेगरी में आता है तो आपने ये चारों पॉइंट्स लिखने होंगे। ये बोर्ड में लॉन्ग में आ चुका हुआ है और ये बहुत ही छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट लॉन्ग कैटेगरी क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में आया हुआ है। चार नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द यूजेज, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ एंजाइम्स। तो ये आपने क्वेश्चन जो है इसके ऊपर मेंशन कर लेने हैं। ओके बेटा, अब हम लोग बात शुरू करते हैं और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये किस तरह से आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले यूजेज ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है ना, ये ज्यादातर हम लोग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द फास्ट केमिकल रिएक्शंस, ताकि हम केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा सकें, उन्हें मजीद बढ़ा सकें। इसके लिए हम लोग ये जो एंजाइम्स है ना, इनको बेटा ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसका एंजाइम का यूज जो है ना, वो हम लोग फूड इंडस्ट्री में करते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। तो फूड इंडस्ट्री एंजाइम्स दैट ब्रेक, अब वो कहता है कि इन अ फूड इंडस्ट्री enzymes that break starch into simple sugars and are used in the production of white bread and buns etc. आपने देखा होगा कि बेटा ये जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो मैदा होता है ना, ठीक है, जो फ्लोर होता है, इसके अंदर ना हम लोग एक यीस्ट डालते हैं। यीस्ट नेचुरली एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि एंजाइम्स कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो यीस्ट है ना, बेसिकली ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और यही एंजाइम्स जो है ना, उनका काम ये होता है कि एंजाइम जो होते हैं ना, ये स्टार्च को ब्रेक करते हैं। किसको ब्रेक करते हैं? स्टार्च को। वो स्टार्च जो उस फ्लोर में मौजूद होगा, ये उसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद उसको सिंपल शुगर्स में चेंज कर देंगे, और फिर इसी को इस्तेमाल किया जाता है टू मेक अ वाइट ब्रेड एंड बंस, ठीक है, ताकि हम बंस और ब्रेड इनको बना सकें। तो दिस इज अ यूज ऑफ एंजाइम्स इन फूड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके बेटे जी, तो ये इसका पहला पॉइंट है कि एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड एंड बंस एक्सेट्रा। नंबर टू, बेवरिंग इंडस्ट्रीज। बेवरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं जो बेवरेजेस बनाते हैं, ठीक है, जहां पर मशरूबात बनाई जाती है, लाइक वाइन, बियर्स, इस तरह के डिफरेंट जो मशरूबात होती हैं, इनको बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है ना, उन्हें हम कलेक्टिवली बेवरिंग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। वहां पर भी बेटा एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है, स्पेशली यीस्ट की हेल्प ली जाती है, ठीक है। अब बेटा होता यह है कि जब इनको बनाने के लिए ना, जो भी इनका रॉ मटेरियल होता है, इसमें हम लोग ना यीस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं? यीस्ट। तो ये यीस्ट उनके रॉ मटेरियल के अंदर जो है ना, प्रोटीन्स और स्टार्च को सिंपल शुगर्स में चेंज करना शुरू करती है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर इनटू अल्कोहल, इसको अल्कोहल में चेंज करना शुरू कर देती है, ठीक है। बेटा एक बात याद रखिएगा कि ये सारा प्रोसेस जो होगा ना, वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा। जैसे कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में भी देखें, तो जहां पर जब डो बनती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बेटा कोई बेकिंग प्रोडक्ट बनानी होती है, जो उसका डो तैयार होता है, तो उस डो के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन ना मिले, उसको एयर ना मिले। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन जो है ना, वो कंटिन्यू होगा। तो इसी तरह जो बेवरेजेस होती है, इन बेवरेजेस को भी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल बेटा वो या तो डिफरेंट फ्रूट्स पल्प होते हैं, या फिर हम लोग जो है ना, वो स्टार्च लेते हैं, जैसे कि फ्लोर, ठीक है। तो ये हम लोग ले लेते हैं। अब होता ये है कि ये जो फ्लोर होगा,
इसमें बेटा हम लोग यीस्ट डाल देंगे जो इनके अंदर स्टार्च और प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा एंड देन इट शुड बी चेंज इनटू अल्कोहल और इससे अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाती है जो इसे वाइन और बियर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ एंजाइम्स इन ब्रेविंग इंडस्ट्रीज. सिमिलरली आपके पास जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री बेटा पेपर जो है ना ये ज्यादातर बनता है वुड पल्प से. ठीक है, पेपर जो है इट इज मेड अप ऑफ वुड और इसमें वुड पल्प इस्तेमाल की जाती है. अब अगर आप बात करें वुड की तो वुड के सेल्स में आपने पढ़ा था कि वुड सेल्स कंटेन सेल वॉल विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज क्या होते हैं? दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ शुगर्स. ये शुगर्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होती है. ठीक है बेटे, अब ये जब वुड पल्प तैयार होता है ना और बेटा ये जो सेलुलोज है ये आपके इस पेपर को बनाने में बहुत ज्यादा रुकावट डाल रहा होता है. ठीक है ना, ये आपके पेपर्स को बनने नहीं देता, उसकी स्मूथनेस नहीं लाता. अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ना कुछ एंजाइम्स की हेल्प लेनी होती है जो इसके सेलुलोज को ब्रेक करे और इसे कन्वर्ट करे सिंपल शुगर्स के अंदर, ताकि जो पेपर बनाने में हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर्डल्स आ रही होती हैं, वो बेटा खत्म हो सके. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज एंजाइम्स. ठीक है, टू लॉर्ड इट्स विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मतलब इसके गाढ़ेपन को खत्म करने के लिए, यानी कि जो सेलुलोज है इसको तोड़कर इसको सिंपल शुगर्स में चेंज करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे. तो एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लॉर्ड इट्स विस्कोसिटी. एंजाइम्स स्टार्च को ब्रेक करते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो सके. दैट एड्स इन मेकिंग पेपर, ताकि जो वो पेपर बनाने में रुकावट डाल रहे हैं वो खत्म हो सके. इसके बाद एंजाइम जो होते हैं ना, दे आर यूज एज अ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. इसे हम बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यानी जो आप लोग डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं इनमें भी एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है, क्योंकि आपके कपड़ों के ऊपर अक्सर जो स्टेन्स होते हैं या तो बेटा वो ऑयल होता है या वो प्रोटीन स्टेन्स होते हैं या स्टार्च स्टेन्स होते हैं. ठीक है, अब उन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं. यही नहीं, जो बेटा आपकी डिश वॉशिंग बार्स होती हैं, ठीक है, जो आप लोग घरों में बर्तन धोने के लिए जो डिश वॉशिंग बार्स इस्तेमाल करते हैं इनमें भी एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है. तो वो कहता है प्रोटीज एंजाइम्स. ठीक है, प्रोटीज एंजाइम जो होंगे बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. ठीक है, ये प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ज्यादातर जो है वो आपके पास एमसीक्यू में स्टेटमेंट भी आती है यहाँ से कि प्रोटीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ डैश स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन दे देगा चार के, वो कौन से स्टेन को रिमूव करता है. इसी तरह आपका एमसीक्यू इस तरह से भी बनेगा, डैश एंजाइम इज यूज्ड टू रिमूव द प्रोटीन स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स. अब प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए बेटा डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है. अब प्रोटीन्स के ऊपर पेप्सिन भी काम करेगा, प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो आगे हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम है वो भी काम करता है, प्रोटीज भी काम कर रहा है. तो इस तरह से चार ऑप्शन बना देगा, विच वॉज वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन. तो आपको राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, दैट इज प्रोटीज एंजाइम्स. इसी तरह वो कहता है कि माइलीज एंजाइम जो हैं, दे आर यूज इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज. ठीक है, जो माइलीज हैं इसे बेटा हम लोग डिश वॉशिंग बार्स जो आती हैं, जो सॉप्स होते हैं, उनको हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे बर्तन के ऊपर जो स्टार्च रेजिड्यू होते हैं या जो ऑयल रेजिड्यूज हैं उन्हें रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके. सो दीज आर दी मेजर यूज ऑफ एंजाइम्स इन इंडस्ट्रीज. ओके बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने तो हैंड रेज कर लें. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस एंड इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. इसमें से लॉन्ग आपको दो कट्ठे भी आ सकते हैं फैक्टर्स, और इसमें से लॉन्ग में टेम्परेचर भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन. ठीक है, तो आपने सिर्फ टेम्परेचर का जो पॉइंट होगा उसको आपने मेंशन करना होगा. ओके बेटे, अब इसको करना कैसे है ये हम लोग यहाँ पर जो है वो अभी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है. जस्ट अ मिनट. इसको बेटा करने का जो तरीका होगा ना उसमें मेन हेडिंग आपके पास आएगी. जब आप ये मेन हेडिंग दे देंगे ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटे, तो इस हेडिंग के अंदर आपने अपना नीचे बुलेट्स बना लेनी है. ठीक है, लाइक ये देख रही हैं जैसे मैंने ये बुलेट्स बना ली हैं. ठीक है, और इस तरह से आपने बुलेट्स बनाते चले जाना है. मैं आपको अभी पॉइंट्स मार्क करवाता हूँ
और आपने इसको ऐसे बुलेट्स की फॉर्म में लिख देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप बुलेट्स अपनी कंप्लीट कर लेंगे, तो बुलेट्स कंप्लीट करने के बाद आपने इसके बाद जो है ना वो इसका एक ग्राफ होगा, और वो ग्राफ जो है वो आपने यहाँ पर शो कर देना होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब ये आपने पॉइंट्स बनाने हैं बेटा, इनकी कोई हेडिंग्स नहीं बनानी, ठीक है। पॉइंट्स के अंदर ही आप इसे लिख दीजिएगा, जो इसमें मेन पॉइंट्स आएंगे आप उसको मार्कर से हाईलाइट करके लिख सकते हैं, ओके बेटे जी। तो ये इसका वे है इसको करने के लिए। तो आते हैं बुक के ऊपर, मार्किंग सबसे पहले आप लोग कर लें, ठीक है। सिंपल ये लाइन आपने एज इट इज लिखनी होगी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर स्पीड्स अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बट ओनली टू अ पॉइंट। ये आपका पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट बुलेट, ये आपकी पहली बुलेट बनेगी जो आपने यहां पर लिखनी होगी, ठीक है। यानी ये आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपने बेटा ये वाली लाइन लिखनी होगी, एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये वाली लाइन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और ठीक है ये आपने मेंशन करनी होगी ऑप्टिमम टेम्परेचर की। और उससे नेक्स्ट बुलेट जो है आपने उसके अंदर बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे ना, आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, और उस बॉक्स में ये लाइन लिखी होगी जो नीचे मैंने हाईलाइट किया, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने इसके थर्ड पॉइंट में लिखनी होगी, ये जो साइड बॉक्स है ना ये आप इसका थर्ड पॉइंट बना देंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपने ये लिखना होगा जो आप हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं, व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट्स हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन, सो रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड। ये आपने मेंशन करना होगा, तुम्हें पता भी है। ओके ठीक है, तो ये पॉइंट आपने मेंशन करना होगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो आप हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, ये आपने इसे नेक्स्ट पॉइंट बनाना है इसका, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट, और जो लाइन रैगी है वो आप उसे नेक्स्ट पॉइंट बना देंगे। और इसके साथ ये वाली पिक्चर आएगी, ठीक है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ आपने यहाँ पर शो करना होगा जी बेटा। इसके बाद आपने ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर शो करना होगा। सो दिस इज कि आपने इस तरह से इस लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बनेंगे वो अब हम लोग देखते हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे तो बेटा जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ना, इन्हें काम करने के लिए बेसिकली टेम्परेचर जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। एंजाइम जो है इन्हें काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या चाहिए, टेम्परेचर। अब देखो बेटा, वो कहता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बेसिकली जो रिएक्शन है एंजाइम जो कैटालाइज कर रहे होते हैं वो बेटा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मगर एक पॉइंट तक, एक लिमिट तक, ठीक है। उस लिमिट से ज्यादा जो है ना ये आपके पास रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ता। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बट ओनली अ पॉइंट, एक पॉइंट तक ये बढ़ेगा, इससे ज्यादा जो है ये रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि बेटा जब आप टेम्परेचर जो है ना किसी भी एंजाइम्स का जो वर्किंग है, जब आप उसको एक खास टेम्परेचर से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चीज है, ये हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसको डिस्कस किया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग कहते हैं कि बेसिकली एवरी एंजाइम दैट वर्क्स एट अ स्पेसिफिक रेट, कि जो भी बेटा एंजाइम है ना वो एक खास रेट के ऊपर काम करता है, और वो जो रेट है हम उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे फॉर दैट एंजाइम, वो उस एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बनता है, ठीक है। तो एक एंजाइम जो है ना वो एक टेम्परेचर पर मैक्सिमम काम कर रहा होगा,
जब आप टेम्परेचर उसके उस टेम्परेचर पर लेके जाते हैं जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहां पर एंजाइम ने मैक्सिमम काम करना है, तो हम उसे इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। यानी इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है बेटा, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम, ये उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। बेटा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर एक होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये वेरी कर जाता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, उन सबका टेम्परेचर एक ही होगा ऑप्टिमम, लेकिन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये एक जैसा नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर की ये डेफिनेशन, और इसके साथ आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, और इसके एग्जाम्पल के अंदर आपने लिखना होगा द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 37°C। तो ये आपने हाइडिंग देनी होगी, और बेटा एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आपने ये डेफिनेशन हाइडिंग के अंदर लिखनी है, और इसके साथ ये आपने एग्जाम्पल लिखनी है जो साइड बॉक्स में लिखी हुई है। और एग्जाम्पल के साथ अगर आप चाहें तो ये ग्राफ बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल मेंशन कर दी हुई है। लेकिन अगर एग्जाम्पल नहीं मेंशन करेंगे तो बेटा मार्क्स डिटेक्ट होंगे, तो ये जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वो कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट्स, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अगर आप इतने से हिस्से के अंदर आप देखें तो ये हिस्सा आपको क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम था तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी थी वो कम थी। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो एंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो रिएक्शन है उसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी को कवर अप करने में उसको हेल्प हो जाती है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे ना तो बेटा एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है जो कैटालाइज कर रहा है वो भी स्पीड अप होता चला जाएगा, मगर एक पॉइंट पर। और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया बेटा? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड इन केस ऑफ ह्यूमंस के केस में दैट इज 37°C, जो कि बेटा 37°C के इक्वल है। सो 37°C जो है इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम, ये उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेटा इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उस एंजाइम का। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पोर्शन में कि जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा होगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ने की बजाय स्लो डाउन होने लग गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी जो मेन रीजन है ना बेटे, वो हमारे पास आती है एंजाइम डीनेचुरेशन, क्योंकि एंजाइम्स की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी वजह यह है क्योंकि एंजाइम जो है ये किससे बने होते हैं? आपने पढ़ा था दे आर मेडअप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं, एंड प्रोटीन्स आर मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनी होती है। और अगर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड्स आगे किससे बने होती है? एटम से। अब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन होती है ना बेटा, वाइब्रेशनल एनर्जी, उसमें भी इजाफा होता है, एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेशन, वो अपनी वाइब्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं और उनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बात फॉलो कर रहे होंगे आप लोग कि जैसे जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये बात पढ़ी कि जैसे आप मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं एटम्स के दरमियान वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और एटम जो हैं वो उस सरफेस को छोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह जो एंजाइम्स हैं बेटा, ये भी जो एटम से बने होते हैं, तो जैसे ही एंजाइम्स का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके एटम जो है वो उसके एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को छोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे एंजाइम्स का स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, और इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स कहेंगे। जब एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ही टूटने लग जाएगा तो एंजाइम्स वर्किंग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो डेफिनेटली जब एंजाइम ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो एंजाइम के एग्जिस्ट ना करने की वजह से जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती चली जाती है। दैट्स द रीजन कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल रिड्यूस। अब यही बात वो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि when temperature rises to a certain limit, heat adds in the activation energy and also provides kinetic energy for the reaction. So reaction are accelerated, इससे reaction जो है वो ज्यादा हो जाते हैं।
बट वेन टेम्परेचर रेज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाए, हीट एनर्जी इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम्स एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट. तो वो बेटा वो जो हीट एनर्जी है वो एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को इतना बढ़ा देती है कि उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर टूट जाता है. दिस इज नोन एज डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, और इसे हम डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स कहेंगे. इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे कम्प्लीटली ब्लॉक कम्प्लीटली, और इससे ये इतनी तेजी से कम होगा कि ये टोटली जो है ना इसको ब्लॉक कर देगा. ओके बेटे, तो ये आपका टॉपिक था. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. तो आपने यहां से लिखना है कि व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड अबव से लेकर, ये आपने यहां से डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम तक लिखना होगा, और इसके साथ आपको ये लाइन जो है वो मेंशन करनी होगी कि इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली, और इसके साथ आपको ये ग्राफ बनाकर इसको मेंशन करना होगा कि ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स है. ये शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ. शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, तो आपने वो डेफिनेशन, इट रिजल्ट्स वाली लाइन, और ये आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा. ओके बेटा, ये आपका आज का क्वेश्चन था और हमारा आज का टॉपिक था. उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं.